चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ये हमारा पहला टॉपिक है मैथमेटिकल टूल का। इस सेशन को हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे क्योंकि बेसिकली है मैथ के पोर्शन और बायोलॉजी बच्चे पढ़ के बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं इसको, तो इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं और अपने कान और अपना दिमाग बिल्कुल खोल के बैठेंगे आप लोग। तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन है क्या? सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं अपना, जिसे हम अपना डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब मैं आपको डिफरेंशिएशन पूरा शुरू से लेके एक एक फॉर्मूला एक एक पूरा उसका बताने की जरूरत नहीं। मैंने पहले बताया था हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्मार्ट स्टडी। हमें करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व निकालना क्या है, हमें नीट एडमिशन कहाँ लेना है, हमें कॉलेज में, वो भी MBBS के। तो हम आज बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। सिंपल सा एक प्रोसेस है, हम डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं जो हमारे क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले पे आते हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देखते हैं फॉर्मूले वो कैसे होते हैं। ये हमारा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, सपोज आप डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जी कि डी बाई डी एक्स आपके साइन एक्स का क्या होगा। तो सिंपल सा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। साइन एक्स का होता है आपका क्या, कॉस एक्स। इसमें कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, सर ये साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे आ गया। सिंपल से आप याद कर लीजिए, सिर्फ आप एक क्वेश्चन आपको निकालने हैं वहाँ पे। आपको बताना है कि आपको वहाँ कुछ पूछेगा नहीं ये कैसे आया, आपको सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। और ऐसे डरने डिफरेंशिएशन से इस जो आपका डी बाई डी एक्स है ना, इसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना आपके इस साइन से। जो साफ जैसा साइन लगता है ना इंटीग्रेशन का, ये आपको डसेगा नहीं, समझ लोगे ना एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये। तो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, आपका कॉस एक्स। अब अगर से हम यहाँ पे वो लिख दें कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा आपका, तो सिंपल सा है, कॉस एक्स का आपका साइन एक्स होगा। बस यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव लग जाएगा। मतलब साइन एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका कॉस एक्स आता है, पर वहीं अगर आप कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स आता है। अंतर क्या है दोनों में, इस एक साइन का। तो आप ये ध्यान देना, ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपको याद करने के बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में जहाँ आपको सी दिखे वहाँ आप निगेटिव साइन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन में, ठीक। पहले तो कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन किससे करना था, मैं कॉस एक्स का, यहाँ पे सी था, किसी को सी नहीं बोला करते, निगेटिव वर्ड है ना, तो यहाँ पे कौन साइन आ जाएगा, निगेटिव। इससे याद कर सकते हो चाहो तो, कभी किसी को सी नहीं बोलना लाइफ में। तो कॉस एक्स क्या हो गया आपके, साइन एक्स। साइन एक्स क्या हो गया आपके, कॉस एक्स हो गया। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। मैं सच बताऊँ तो ये फॉर्मूले आप यूज़ होंगे, पर जो मेन फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का अभी नहीं आया है। मैं आप वैसे आप देखेंगे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप जितने फॉर्मूले बनेंगे उतने फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, पर क्या मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस सेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रखना है आपको। बस ये ध्यान रखिए आप जो मैं बोल चुका दिमाग में याद करते जाए। जब आपको मैं इंटीग्रेशन जब बताऊंगा तो आप देखेंगे कैसे ये चीज़ें उससे रिलेट हो रही हैं। आप बस थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे सब हो जाएगा। बस अभी याद करिए, यहीं पे मेरे साथ ही आप याद करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा आपका, कॉस एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा आपका, साइन एक्स होगा। जहाँ भी सी लगेगा वहाँ पर कौन साइन आ जाएगा आपका, निगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने किसकी, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स का बात करें। इसे बहुत कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ना, इसमें कुछ समझना है, सिर्फ आपको लर्न करना है, क्योंकि अब ये कैसे आए वो आपके मतलब की बात नहीं है। आपसे कोई पूछे कि टैन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स आप एग्जाम में फॉर्मूले यूज़ कहीं मिलेगा, तो सिंपल से आप लिखे टैन एक्स का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, बस यही ख़त्म। एक आपका एंटी ये हो गई। और अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हमने टैन का देख लिया, टैन का सीरीज हम लोग कॉट का भी देख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो बात करें हम कॉट एक्स का क्या होगा, सिंपल सा है, माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक एक्स, सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने बताया था सी कैसा वर्ल्ड है आपका, निगेटिव वर्ल्ड है,
क्यों नेगेटिव वर्ड है? क्योंकि किसी को हम सी नहीं बोलते हैं, तो जहाँ भी आपका डिफ्रेंशिएशन सी आया वहाँ क्या लग जाएगा आपके आगे? नेगेटिव साइन लग जाएगा। मैंने पहले बताया ढंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने सिर्फ आपको चार ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले बताए हैं। या आपको सिंपल साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा आपका? माइनस साइन एक्स होगा। टैन का क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स होगा। कॉट का एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ये सिर्फ आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अभी हमने किसका देख लिया? टैन का देख लिया, कॉट का देख लिया, अब देखते हैं किसका? सेक एक्स का। तो हम लोग आते हैं किस पे? अब अपने सेक एक्स पे आते हैं। यहाँ डिफरेंशियल साइन लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये हो गया आपका। तो हमने अभी क्या देखा? बेसिक देखा। साइन एक्स का क्या होगा आपका? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या? मैंने कहा आप यहीं पे याद कर लो, आपको आगे दिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। साइन एक्स का आपका कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टैन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स का आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों नहीं भी याद हो रहे हैं तो ये दोनों मत भूलना। साइन एक्स का क्या होगा आपका? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा आपका? माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन में कहीं भी सी लगा हो तो आपके रिजल्ट में नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि सी एक नेगेटिव वर्ड है, किसी को बोला नहीं करते हैं। अब आते हैं अपने sec x, sec x पे d by dx dx of sec x, इसका क्या आएगा आपका? sec x into tan x। जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन मोर देन इनफ है। आपके सबसे ज्यादा कौन से यूज होंगे आपके? एक ये यूज होगा आपका, एक ये यूज होगा। तो अगर आप यहाँ पे आपको मैंने पांच लिखा है, 1 2 3 4 5 आपको मैंने पांच लिखा हुआ है, इनमें से दो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी आपको याद करना दो, कौन से दो? कि साइन एक्स का आपका कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का आपका माइनस साइन एक्स होगा। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी ये भी है, टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इस सेक एक्स का आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आते हैं जो हमारे हमें यहाँ नहीं यूज मिलेंगे लेकिन आगे चैप्टर में उनके बहुत यूज मिलेंगे। जैसे कि आपका ई बाई एक्स, जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जो ई बाई एक्स होता है हमारा, ई बाई एक्स आपका, उसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा क्या है ये? जिद्दी है। क्यों जिद्दी है? इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो, ये यही का यही बना रहता है। अपने वसूलों का पक्का है ये ई बाई एक्स, मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो चाहे इंटीग्रेट कर दो, हम नहीं बदलने वाले, हम ये बाई एक्स ही रहेंगे। तो एक ये भाई साहब हो गए आपके जिनको जिद्दी बोलते हैं हम लोग। और एक हम पढ़ेंगे किसका? कि लॉग एक्स का। कि अगर कोई बोले कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, कोई अब जैसे लॉग की बात आती है सबकी हालत ख़राब कि लॉग क्या होगा। आपके मैथमेटिकल टू में लॉग भी आता है, वो भी समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया साइन एक्स का नहीं भूलना है, कॉस एक्स का नहीं भूलना है, और इसको नहीं भूलना है ई बाई एक्स का। डिफ्रेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो भैया आएगा। अब आते हैं हम थोड़ी सी और पे लॉग एक्स का, देखते हैं क्या आएगा। और अभी भी डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, अब हम उसी के ऊपर आ रहे हैं। अब तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पर देख लिए थे। मैंने कहा था आपको जितना लिखा है अभी के लिए आप सिर्फ दो दिमाग में रखो, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स का आपका माइनस साइन एक्स, ये हो गया। मैंने वो आपको बताया एक और क्या, कि आपका ई बाई एक्स बहुत जिद्दी है, इसको चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट, वही का वही रहेगा। अब आते हैं किस पे? डिफरेंशिएशन पे। अब हम देखते हैं किसका? d बाई डी एक्स ऑफ log x का। अब जैसे ही log वॉक का साइन आया सबकी हालत ख़राब, क्या इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बस यही क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, पढ़ाना पड़ेगा आप लोग को ये सब। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा आपका? सिंपल सा है, ऊपर 1 लिखो, ये साइन लगाओ अपॉन का x, 1 by x। इसमें क्या कठिन है? एग्जाम में क्यों छोड़ के चले आते हो ऐसे क्वेश्चन जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा? मतलब ऐसा पूछेगा नहीं आपको कि 4 मार्क्स क्वेश्चन बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 by x, ये नहीं आएगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बीच ही मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा। तो लॉग ऐसा क्या हो जाएगा? 1 by x। एक और आता है जिसमें यहाँ पर लॉग बी एक्स लिखा होता है, जैसे लॉग एक्स है यहाँ लिखा होगा लॉग बी एक्स, उसमें क्या होगा? 1 by x। यहाँ पे सिंपल जैसे कि मैंने लॉग एक्स लिखा, यहाँ पे 1 by x हो गया। अब अगर यहाँ लिखा होता कि log b x लिखा होता तो कुछ नहीं करना था, 1 by x वही log भी आप आगे लिख देते, तो आपको यूज़ का नहीं है। जब यूज़ का होगा तो आपको बताऊँगा। अभी के लिए याद रखूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा आपका? 1 by x।
अब आते हैं अपने मेन फॉर्मूले पे। तुम लोगों के सर मेन फॉर्मूला तो पहले बताना चाहिए, पहले नहीं बोलते ना कि स्पेशल चीज़ें बचा कर रखनी चाहिए। तो अब आता है आपका फॉर्मूला x टू द पावर n का। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका जो उसकी पावर है उसको यहाँ आगे लिख लेते हैं। हमने n पावर n आगे लिख लिया, x वैसे का वैसे, और इस पावर में से एक माइनस कर देंगे। आपके मेडिकल में नीट में अगर आपके 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के होंगे तो उसमें से 4 पे आपको ये फॉर्मूला वर्क करेगा, 4 या 3 पे तो ये वर्क करेगा फॉर्मूला आपका। ये आपके मोस्ट यूज फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का हमारे नीट एग्जाम में। अब अभी मैं आपको जो वर्क पॉइंट जब पढ़ाऊंगा तो भी आपको इसी का सबसे ज़्यादा यूज पड़ेगा। एक्स एक्स टू द पावर एन का क्या हो जाएगा, एन एक्स, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब कहोगे आप कहोगे सर थोड़ा बात समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा समझाइए। मैं कहूँगा बिल्कुल समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा आपको, एग्जांपल देके। सिंपल सा एग्जांपल है, एकदम ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर फॉर्मूले में कर क्या रहा हूँ, मैं आप लिखता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज किसी ने लिख दिया डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स रेस टू दी पावर 7 का। पहले अपने हम मेन फॉर्मूले से देखते हैं क्या फॉर्मूला क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है भाई कि x की पावर अगर n दिया गया है, जो पावर है ना n उसको आगे लिख लो। देखो मैंने यहाँ x की पावर n थी, मैंने n आगे लिख लिया, यहाँ x की पावर 7 है, मैं भी सेम काम करूँगा, रूल के अकॉर्डिंग चलोगे कभी नहीं गलत होगे। मैंने इसकी पावर आगे लिख ली, तुम कहोगे सर हो गया, मैंने कहा अभी कहाँ हो गया, मैंने कहा था फिर x को वैसे का वैसे लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो हम x को वैसे का वैसे लिखेंगे, इसकी पावर 7 है, एक माइनस कर देंगे, क्या क्या आ जाएगा, 7x टू द पावर 7। कुछ टफ है इसमें, पावर जो लिखी उसको आगे लिखा, एक माइनस कर दिया बाकी पावर में से। x टू द पावर 7 था, मैंने 7 आगे लिखा और फिर 7 में से एक माइनस 6 लिख दिया। इसमें कुछ है टफ ये बताओ। अब थोड़ा सा इसे बस आपको क्या याद करना है, मैंने कहा ना कि जितना बता रहा हूँ उतना करो, एकदम आराम से आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। तो आपने डी बाई डी एक्स टू द पावर 7 क्या क्या हो जाएगा, 7x में से आपने एक माइनस कर दिया, 6 आ गया आपका, खत्म खत्म आपका। अब आप देखोगे ना, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ, अब मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा देता हूँ, आप देखोगे कैसे कैसे आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप नाउ फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।